ओके, तो लेट अस डू वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. ओके, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. इन इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन. ओके, लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे. इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, ये मान लो हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम है. दिस इज एन एक्सिस सिस्टम. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, राइट? मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पर, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है विच इज जस्ट ट्रेवलिंग लाइक दिस. ठीक है कि नहीं? ये मूव कर रहा है इस तरह से, है ना? ठीक. और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस तरह से मूव कर रहा है इस वाले डायरेक्शन में. ठीक है, तो दोनों का कोल्यूजन हो जाएगा, राइट? दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे. लेट मी से इट्स एम वन यू वन, इट्स एम टू एंड लेट अस से इट्स मास इज यू टू. ठीक है कि नहीं, है ना? चूंकि ये टू डायमेंशन में कोल्यूजन है, तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब ये दोनों कोलाइड करते हैं, सपोज कोल्यूजन के बाद ये ट्रेवल करते हैं बिल्कुल इस तरह से, एक और ये दूसरा, इनइलास्टिक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो दोनों मूव करेंगे विद द सेम वेलोसिटी, है ना? ठीक, इस तरह से. ओके, विद द सेम वेलोसिटी, राइट? लेट अस से ये जो एंगल यहां पे बना रही है ना, ये वेलोसिटी, इंसिडेंट एंगल दैट इज थीटा, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दैट इज फाई. ओके, दीज आर द टू एंगल्स. इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है. अब मुझे बताइए, क्या हम लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में? मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से आप लगा सकता है? तो उसके लिए ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है, एक्सिस सिस्टम में फिर से बना रहा हूं, ध्यान रखो एक्सिस सिस्टम फिर से बन गया. देखो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? ठीक. तो लेट अस राइट, इसका मोमेंटम इस वाले डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा, दैट इज एम वन यू वन मोमेंटम है इसका, दैट इज एम वन यू वन. ठीक है कि नहीं? और एंगल कितना बना रहा है बेटा, एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा. ठीक है, चलिए एंगल थीटा बना रहा है, राइट? है ना? तो पता ही है दो कंपोनेंट्स निकलेंगे इसके, है ना? एक कंपोनेंट निकलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट क्या निकलेगा, अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है कि नहीं? तो जरा मुझे बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस वाला मोमेंटम क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा m1 u1 cos थीटा, है ना? दैट इज m1 u1 cos थीटा, है ना? ठीक. प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरा वाला सीधा बेचारा x एक्सिस से चल रहा है ना? ठीक. तो उसका मोमेंटम होगा m1 m2 u2, बस सिंपल, थीटा बीटा कुछ नहीं, है ना? ठीक. वो तो सीधा एक्सिस के ऊपर ही जा रहा है ना, है ना? तो इज इक्वल फाइनल मोमेंटम. एक्स एक्सिस से क्या मोमेंटम होगा, एक्स एक्सिस से मोमेंटम होगा एम वन प्लस एम टू कॉस फाइव. ठीक है, है ना? ठीक. कॉस कंपोनेंट होता है कहां से, एक्स एक्सिस से. ठीक है कि नहीं, है ना? अब बताओ अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, शाबाश, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, इट विल बी, आई थिंक, आई सपोज इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, इसका होगा अलोंग वाई एक्सिस एम वन यू वन साइन, है ना? ठीक है. दूसरा वाला वाई एक्सिस से चल ही नहीं रहा है, तो जीरो होगा, फाइनल होगा यहां से एम वन प्लस एम टू साइन फाइव, वी है यहां पे, वी साइन फाइव, है ना? ठीक, है ना? सो ओके, दीज आर द टू इक्वेशंस, राइट? अब अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, जरा बताओ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर. देयर आर थ्री वेरिएबल्स. ओके, कोल्यूजन के बाद क्या क्या, v, थीटा और फाइ, तीन वेरिएबल्स हैं, v, थीटा और फाइ, लेकिन इक्वेशंस कितनी है, दो. सो ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. ओके, सो व्हाट वी नीड एक्चुअली वन मोर इक्वेशन. ठीक है, थ्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए. ठीक है, लेकिन हमारे पास तीन इक्वेशंस नहीं है. ठीक है कि नहीं? सो वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग द टू इक्वेशंस ओनली. ओके, आपको एक एक वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है.